नागपनी अंतर्गत मोहल्ला दौलतबाग में रहने वाली महिला ने अपने पति व अन्य ससुराल के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एसएसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें पीड़िता द्वारा आरोपियों को सजा दिलाने की बात कही गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति वसीम, जेठ अजीम, देवर सलीम व नंदोई उसे लगातार धमकाते रहते हैं और पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उससे कहा जाता है कि हमारे खिलाफ जो मुकदमा लिखवाया है उसको वापस लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरह की कई हरकतें ससुरालियों द्वारा महिला के साथ की जाती हैं, जिससे महिला काफ़ी परेशान है। कई बार पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायती पत्र सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या समस्या है, क्यों आपने शिकायती पत्र दिया पुलिस को? पहले तो मुझे मारपीट के निकाल दिया था। अच्छा, 2 जुलाई को। और अब मुझे मारपीट के निकाल दिया था, हटा के भी कर दिए थे मेरे। 307 लग गए थे, पुलिस ने 307 हटा दी। अब वो ऐसे घूमते चल रहा है, 1 महीना हो गया मुझे सब जगह जाते जाते। ये कहते चल रहा है कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे तो पुलिस से 7 घाट हो गए थे ऐसे जगह। पुलिस हमारा कुछ नहीं निकालेगी, अपना मुकदमा वापस लेने तो तुझे जान से मार देंगे, तेरे बच्चे की छीन लेंगे। कौन लोग हैं वो? वो मेरा हस्बैंड वसीम, मेरा जेठ अजीम और मेरा देवर सलीम, मेरा नंदोई काजू और एक मेरी नंदे सीमा, उन्होंने भी मारा था मुझे। मेरा सारा सोने का जेवर, माँ बापा का घर का जो घर बेच के शादी गए थे वो भी मेरी सीमा के पास, नंद के पास। कब की बात है? 1.5 साल से अपनी शादी हुई उनके पास है, देते ही नहीं है। तो आप क्या हुआ आज, कल क्या हुआ था? कल मैं जा रही थी, मुझे पकड़ लिया मेरे देवर ने, कहने लगे बोले अगर मेरे भाई के साथ में रहना है तो अपने बाप से काज लेकर और यह घर लेकर। अच्छा, अपना मुकदमा वापस ले नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। तो आपने इसकी शिकायत की पुलिस में? जी गई थी थाने, मैंने 190 पे भी फोन करा। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? 190 पे फोन करा था, 2 पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने पकड़ लिया मेरे देवर को, सलीम को। रात में पुलिस ने छोड़ दिया। अब मैं थाने गई तो मुझे डांट के भगा दिया, बोला घर जाकर आराम कर, तेरा ही केस थोड़ी देखते रहेंगे, बहुत और बतेरा केस है हमारे पास करने के लिए। ठीक है, अब क्या चाहती हो आप? सर मैं चाहती हूँ ना सजा मिले, बहुत बहुत ले जाने को मना करना है, लड़की पैदा हो गई तो क्या लड़का का, अब मैं लड़का कहाँ से दूं? दादी के पास था, दादी के पास था। 3 तलाक की बोला, धमकी देना कह रहा 3 तलाक दे दे, पुलिस सामने बट लगे।